हेलो यवन दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा बार मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि भाई हमारे मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या हमें डिमोटिवेट होना चाहिए उससे, या हम क्या करें जिससे कि हम अच्छा परफॉर्म कर पाए इन एवरी मॉक टेस्ट। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मार्केट में 100 रुपये से लेके हजारों रुपये तक मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, और एक कैटेगरी ऑफ मॉक टेस्ट होती है जो कि फ्री मॉक टेस्ट कराए जाते हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्तों, जो फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, हमेशा आप देखेंगे तो उनका लेवल बहुत ज्यादा ऊपर रहता है। देखिए, उसका रीजन एक ये भी हो सकता है क्योंकि जब तक एस्पिरेंट्स परेशान नहीं होंगे, जब तक उन्हें यही नहीं लगेगा कि फ्री मॉक टेस्ट में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तब तक वो किसी इंस्टीट्यूशन का मॉक टेस्ट क्यों लेंगे। पहले रीजन ये हो सकता है। पर जिस मुद्दे पर आज मैं बात करने आया हूँ और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने आया हूँ, ऑल्दो चाहे वो क्लैट से रिलेटेड हो, DOLLB से रिलेटेड हो, BHU से रिलेटेड हो, या PU से रिलेटेड हो, क्योंकि सभी एंट्रेंसेस मैंने क्रैक किए हैं, तो उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है दोस्तों कि कभी भी आप मॉक टेस्ट में आपके चाहे कम आए तो आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और बहुत अच्छे हैं तो एक्स्ट्रा मोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। आपको मॉक टेस्ट से बस ये सीखने की जरूरत है कि किस सेक्शन में आप वीक हैं। जैसे कि इंडियन पॉलिटी में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, आपने इतने सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए पर इंडियन पॉलिटी वाला पोर्शन जो है उसमें आप वीक हैं, तो दोस्तों अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि आपको इंडियन पॉलिटी पे ज्यादा टाइम देना है एज कंपेयर टू अदर सेक्शंस। वैसे ही आप जब करंट अफेयर्स अटेम्प्ट करें और आपको लगता है कि भाई अवार्ड्स से रिलेटेड मेरे को आंसर्स नहीं आते थे मॉक टेस्ट में, तो आप उन इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पे ज्यादा फोकस करिए। जो भी मॉक टेस्ट होते हैं ना दोस्तों, वो ये खाली आपको बताने के लिए होते हैं कि आपका वीक सेक्शन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, जिससे कि आप उसके हिसाब से अपना टाइम डिवोट कर पाए अलग अलग सेक्शंस को। और अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा मोटिवेटेड भी नहीं होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप किताबें विताबें सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएं और सीरीज देखने लगे ये सोच के कि भाई अब तो एंट्रेंस क्रैक हो ही जाएगा, मुझे पढ़ने की जरूरत क्या है। क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूं कि रिविजन इज द की। जो भी मैंने एंट्रेंसेज निकाले हैं, चाहे क्लैट निकालो आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन DU BHU PU निकालो, वो सब रिविजन की वजह से निकले हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब हम 12th में थे तो प्री बोर्ड कंडक्ट किए जाते थे स्कूल के द्वारा, पर क्या कभी भी प्री बोर्ड का एग्जैक्ट पेपर बोर्ड्स में आता था? कभी भी ऐसा नहीं होता है। और वैसे ही जो ये मॉक टेस्ट सीरीज होती है, कभी भी ये पेपर रेप्लिकेट नहीं होता है इन आर एग्जामिनेशंस। ये खाली इसलिए होते हैं जिससे कि आप अपने वीकर सेक्शन को पहचान पाए और उसको अपनी स्ट्रेंथ में डेवलप कर पाए। तो आखिरी में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो इमेटीरियल है। कई बार जैसे कि मैं जब मैंने क्लैट के लिए मॉक टेस्ट मैं देता था तो मेरे बहुत बेकार नंबर आते थे, मतलब लैक्स में मेरी रैंक आती थी, पर इन द एंड जब मैंने क्लैट दिया तो उसमें काफी अच्छी रैंक आई थी। तो इसलिए कभी भी मॉक टेस्ट में जो भी आप नंबर आ रहे हैं आपके, वो यार्ड स्टिक नहीं है कि आप कैसा परफॉर्म करने वाले हैं इन द मेन एग्जामिनेशन। तो अपनी वीकनेस पे काम करिए, और अगर बहुत अच्छे आपके मार्क्स आ रहे हैं ऑलरेडी तो ओवर कॉन्फिडेंट ना होते हुए रिविजन बार बार करिए। तो दोस्तों, यही मैसेज रहेगा मेरा आपके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड नाइट।